बच्चों नमस्ते बच्चों। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डेंसिटी हाइपर डेंसिटी तक देख लिया था और आज हम लोग जो कि ट्रिक है ये ट्रिक बोल दे तो ये देखने जा रहे हैं। तो माइनस स्टडी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। इसी तरह से लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहें और डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन बटन माइनस स्टडी। और हम लोग समय वेस्ट नहीं करते हुए आगे हम लोग देखते हैं बच्चों जो कि नीट जेईई मेंस आईआईटी के लिए है, फार्मूला के लिए ओनली। इसमें हम लोग फार्मूला देख रहे हैं तो यहाँ पर लिखेंगे ये ट्रिक हो गया मोलरिटी, एम हो गया मोलरिटी, जो कि अगर मोलरिटी को हम लोग नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करेंगे, मोल्स एन से डिनोट होता है और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं साथ में लिखते हैं उसके बाद समझते भी चलेंगे। मोल ऑफ गैस इन लीटर, जो कि मोल ऑफ गैस हो गया जो अगर लीटर में हो, और एनटीपी कंडीशन पर एनटीपी या एसटीपी पे, और एनटीपी एसटीपी और आगे जो कि नंबर नंबर ऑफ पार्टिकल्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गया, और यहाँ पे लिखेंगे साइड में जो कि मास इन ग्राम और वेट इन ग्राम या बोल दे मास इन ग्राम या वेट इन ग्राम, और जो कि नंबर ऑफ मोल्स है उसको अगर जो कि मोलरिटी में कन्वर्ट करना चाहेंगे, इससे अगर इसमें जो नंबर ऑफ मोल्स हो गया मोलरिटी में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसको बच्चों डिवाइड रखना है, डिवाइड करना है, और जो कि वॉल्यूम लीटर से ये डिवाइड हो जाएगा। और अगर मोलरिटी से नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना है, यहाँ से अगर इसमें आना है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे वॉल्यूम लीटर से, जो कि ये मोलरिटी होता है वो वॉल्यूम लीटर में ही मापा जाता है, इसी का ये यूनिट होता है वॉल्यूम में ही हम लोग इसको देखते हैं। तो ये हो गया यहाँ पे ये मोल्स है जो मिट गया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स है बच्चों एन, नंबर ऑफ मोल्स हो गया, और नंबर ऑफ मोल्स हो गया जो कि इसको अगर हम लोग वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी प्रेशर पर इसको कन्वर्ट करना चाहेंगे तो इसमें हम लोग को अगर इससे जो नंबर ऑफ मोल्स है तो इसमें वॉल्यूम ऑफ इसमें आएंगे तो हमको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 24×4 लीटर मोल से, और अगर जो वॉल्यूम ऑफ गैस है एनटीपी और इसको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना होगा तो इसको हम लोग जो कि डिवाइड करेंगे जो कि इतना है 24.2 लीटर मोल, इसे जो बहुत ही इजी है मोल यूनिवर्स हो जाएगा यहाँ पे बच्चों, क्योंकि मोल यूनिवर्स हो जाएगा। और अगर जो नंबर ऑफ मोल्स हो गया उसको हम लोग नंबर ऑफ पार्टिकल्स में कन्वर्ट, ये पार्टिकल्स है इसको अगर इसमें कन्वर्ट करना चाहेंगे तो इसको इससे कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को जो कि मल्टीप्लाई इंटू एन एवोगाड्रो नंबर से हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गए उसको हम लोग नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो इसको हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा नंबर ऑफ एवोगाड्रो नंबर से, और जो मास इन ग्राम हो गया मास इन ग्राम या वेट इन ग्राम, और मास इन ग्राम और वेट इन ग्राम को नंबर ऑफ मोल्स में हम लोग कन्वर्ट करना चाहेंगे तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे जो कि मोलर मास से डिवाइड करना है, और जो मोलर मास है उसको हम लोग इससे डिवाइड करेंगे इससे मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मास से, जो कि नंबर ऑफ मोल्स को अगर मास इन ग्राम और वेट इन ग्राम में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मास से, और अगर जो मास इन जो कि मास इन ग्राम हो गया या वेट इन ग्राम इसको अगर हम लोग नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना चाहेंगे अगर चाहते हैं तो डिवाइड करना है मोलर मास से। ये ट्रिक था बच्चों, अब हम लोग आगे देखेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हम लोग इसी तरह से सभी चैप्टर का जो फार्मूला है ये केवल फार्मूला वाले लेक्चर जो छोटे छोटे होंगे वो लेक्चर बनाना है, जो कि रोज़ यानी 5-10 मिनट जो कि फ्रेशिंग टाइम में आप लोग ये देख सकते हैं बच्चों, जो कि आपका जो फार्मूला है नीट आईआईटी जी मेंस के लिए रिवीजन हो जाए। तो आगे हम लोग देखते हैं जो कि स्टाइकोमेट्री बेसिक कंसेप्ट के बारे में थोड़ा लिख लेते हैं। स्टाइकोमेट्री कंसेप्ट क्या है, स्टाइकोमेट्री कंसेप्ट क्या होता है, तो इसमें हम लोग जो कि कंसेप्ट जो बच्चा अगर भूल गया होगा या जो कमज़ोर भी है उसके लिए भी, इसलिए मैं इतना लिख रहा हूँ सारा लिमिटिंग, नहीं तो मैं डायरेक्ट फार्मूला मारता बच्चों। रिएजेंट हो गया,
तो इसको हम लोग जैसे ये छोटा और ये बड़ा कैपिटल लेटर है, ये बी और ये सी सी प्लस डी डी स्टाइगोमेट्री हो गया। तो यहाँ पे नोट करेंगे जो कि स्मॉल ए है, स्मॉल बी हो गया, स्मॉल सी हो गया, स्मॉल डी हो गया, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट्स क्या कर रहा है, दी रेशियो ऑफ मोल्स, जो मोल्स का रेशियो होता है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, रेशियो ऑफ मोल्स जो स्मॉल लेटर है, जो कि जैसे यहाँ पे फोर कार्बन हो गया तो ये यहाँ जैसे एग्जांपल, और प्लस थ्री कार्बन तो ये क्या डिनोट कर रहा है, ये फोर थ्री है, वो ए बी सी छोटा कैप लेटर हो गया जो रेशियो ऑफ मोल्स डिनोट कर रहा है, मैं एग्जांपल तौर पे बता दिया हूँ बच्चों। और आगे लिखेंगे जो कि आगे हम लोग देखेंगे जो कि वॉल्यूम्स फॉर गैसेस के लिए, जो कि आगे हम लोग वॉल्यूम्स फॉर गैसियस, वॉल्यूम्स फॉर गैसियस मॉलिक्यूल के लिए, मॉलिक्यूल्स इन विच दी रिएक्शंस, रिएक्ट करेगा और प्रोडक्ट फॉर्म होगा जब ये स्टाइगोमेट्री लगाएंगे उस समय। और आगे हम लोग जो कि स्मॉल और स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी डज नॉट रिप्रेजेंट, ये क्या नहीं रिप्रेजेंट करता है, दी रेशियो ऑफ मास को ये रिप्रेजेंट नहीं करता है, ये केवल जो कि रेशियो ऑफ मोल्स है वो रिप्रेजेंट करता है, रेशियो ऑफ मोल्स और ये रिप्रेजेंट करता है, और रेशियो ऑफ जो मास है ये नहीं रिप्रेजेंट करता है। और आगे हम लोग देखेंगे हाउ टू फाइंड एल आर लिमिटिंग रिएजेंट, हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, तो हाउ टू फाइंड ली एल आर, तो एल आर का फुल फॉर्म होता है लिमिटिंग रिएजेंट हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो इसमें हम लोग लिखेंगे केस फर्स्ट में इफ डाटा ऑफ ओनली वन रिएक्टेंट अगर दिया हुआ है, जो एक डाटा होगा जो ओनली रिएक्टेंट का दिया होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, देन ट्रीट, हम लोग उसको कैसे ट्रीट करेंगे, ट्रीट दैट रिएक्टेंट एज एल आर एंड अदर एल आर और अदर रिएक्टेंट एज एक्सेस में मानेंगे रिएजेंट, अगर जो केस में हम लोग वन मिलेंगे जो कि डाटा अगर दिया हुआ रिएक्टेंट का, तो उसको हम लोग कैसे ट्रीट करेंगे, वो एल आर मानेंगे, अगर नहीं तो रिएक्टेंट एज एक्सेस रिएजेंट की तरह। और केस सेकेंड में हम लोग इफ डाटा मोर देन वन रिएक्टेंट होगा, अगर दिया हुआ मोर देन गिवन देन हम लोग क्या, तब हम लोग फर्स्ट कन्वर्ट ऑल दी डाटा इनटू मोल्स, और उसके बाद देन हम लोग डिवाइड करेंगे विथ देयर रिस्पेक्टिव
स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, और आगे हम लोग लिखेंगे जो कि द रिएक्टेंट हैविंग, द रिएक्टेंट हैविंग, इसमें आगे हम लोग लिखेंगे जो कि मिनिमम मिनिमम रेशियो विल VLR, देन हम लोग ये इजी लैंग्वेज में बच्चों आप लोग भी समझ लेंगे, तो देन फाइंड द मोल, देन फाइंड द मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, देन फाइंड द मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड और एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट बाय कंपेयरिंग, थोड़ा बड़ा हो गया बच्चों, अगर बड़ा थोड़ा नहीं लिखता तो आप लोगों को समझ में नहीं आता, इसलिए विथ LR यानी लिमिटिंग रिएजेंट के थ्रू थ्रू स्टाइगो एसटी थ्रू स्टोइकोमेट्रिक कंसेप्ट के थ्रू, यह था थोड़ा बड़ा हो गया, ये हमने जो कि इजी लैंग्वेज में आप लोग पढ़कर भी समझ सकते हैं, और जो इस चैप्टर का लास्ट है हम लोग वो देख लेते हैं कि वैलेंट वेट और थोड़ा एक दो पॉइंट है वो देख लेंगे। तो ये हमारा जो फर्स्ट पॉइंट से बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इसमें जो फॉर्मूला था वो मेरा लगभग हम लोग का कम्प्लीट हो चुका है बच्चों, और आप लोग को ये देखना है और रिविज़न करना है, मैंने जो कन्वर्जेशन था वो भी लिख दिया, और आगे हम लोग अगले जो चैप्टर है चैप्टर वाइज ही चलेंगे, ये फर्स्ट चैप्टर था और सेकेंड चैप्टर आगे हम लोग देखेंगे। तो आगे यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट देखेंगे, WEIGHT इक्विवेलेंट वेट, और इसमें हम लोग जो कि इसका पहले फार्मूला लिखते हैं, जो कि इक्विवेलेंट का फार्मूला, इक्विवेलेंट वेट का फार्मूला लिखेंगे, तो इक्विवेलेंट का फार्मूला हो गया मोलर वेट वाई, मोलर वेट वाई वैलेंसी फैक्टर, मोलर वेट वाई वैलेंसी फैक्टर जो कि VF हो गया। आगे हम लोग लिखेंगे जो कि वैलेंसी फैक्टर फॉर एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, वैलेंसी हो जाएगा इक्वल टू वैलेंसी, जैसे एग्जांपल तौर पे देख ले रहे हैं जो कि सोडियम का 1 हो गया और एल्युमिनियम का 3 और Na2 6 हो गया, ऑक्सीजन का O2 का 4 हो गया और हाइड्रोजन का H2 का 2 हो गया। तो इसमें हम लोग को VF फैक्टर जो कि VF फैक्टर फॉर आयोनिक, VF यानी वैलेंस फैक्टर फॉर आयोनिक कंपाउंड, अन्य कंपाउंड्स साल्ट्स हो गया, अन्य कंपाउंड साल्ट्स, तो इसमें देखना है इसमें जो बी इफेक्ट वाले कंपाउंड साल्ट के लिए इक्वल टू जो कि टोटल चार्ज ऑन कटायन या अनायन हो गया, कटायन या AnIon अनायन, और ये था ये एग्जांपल तौर पे हमने देख लिया, और आगे हम लोग लिख सकते हैं जो कि BF4 बेसिस, तो इसमें हम लोग नो ऑफ रिप्लेसमेंट या रिप्लेसेबल OH आयन का, और इसी में हम लोग NaOH इक्वल टू 1, बेरियम ऑक्साइड O2 इक्वल टू 2 लिख सकते हैं, और CaOH ये हो गया 2 का, इसका हम लोग 2 और Al एल्युमिनियम है इसका जो कि वैलेंस फैक्टर 3 हो जाएगा, और ये हमने देख लिया, और एक और है जो कि ये भी देख लेते हैं जो कि H3 PO3 का जो वैलेंस फैक्टर 2 हो जाएगा, और H3
PO2 का H3 PO2 का जो वैलेंस फैक्टर 1 हो जाएगा, ये हो गया। और यहाँ पर और ये भी लिख लेते हैं जो कि HCl का वैलेंस फैक्टर 1 हो जाएगा, H2SO4 का 2 हो जाएगा, H3 या आप डायरेक्ट लर्न कर सकते हैं बच्चों PO4, जो कि कहीं अगर आ जाए क्वेश्चन में तो लिख सकते हैं। यानी हमारा जो क्वेश्चन है अगर जल्दी बन जाए, जो कि हमारा स्पीड ग्रो करे, एक्यूरेसी अगर सभी चाहिए, तो इसके लिए मैं वो भी नोट कर दिया बच्चों। जब जो कि यहाँ तक हमने देख लिया, और जो की पॉइंट है वो भी लिख लेते हैं जो दो पॉइंट में। तो यहाँ पे जो की पॉइंट नाम दे दे रहे हैं की पॉइंट्स, और इसमें हम लोग की पॉइंट्स में जो कि फर्स्ट इसमें जो कि डू लॉन्ग एंड पेटिश हो गया, पेटिश डू लॉन्ग एंड पेटिट्स ला, डू लॉन्ग्स और पेटिट्स ला हो गया, जो कि किसके लिए है, ओनली फॉर किसके लिए, सॉलिड्स के लिए, जैसे ओनली फॉर सॉलिड जैसे एक्सेप्ट इसके लिए बेरिलियम, ब्रोन, सिलिकॉन, कार्बन के एक्सेप्ट इसके अलावा, जो कि डू लॉन्ग्स एंड पेटिट्स ला किसके लिए उपयोग होता है, ओनली सॉलिड के लिए। और इसी में हम लोग एटॉमिक मास इनटू स्पेसिफिक हीट, और इसको हम लोग जो कि इन कैलोरी पर ग्राम में लिखते हैं ग्राम्स, और ये अप्रॉक्स 6.4 होता है जो कि डिग्री सेल्सियस का। और इसी में हम लोग सेकेंड जो कि वेक्टर मेयर मेथड्स किसके लिए यूज होता है, इज यूज्ड टू डिटरमाइन मॉलिकुलर वेट ऑफ वोलेटाइल कंपाउंड के लिए। तो यहाँ पे हमने बच्चों जो कि जो फर्स्ट चैप्टर बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जो 11th का था, 11th वाला पार्ट, क्योंकि IIT नीट JEE मेन सभी के लिए ये था, तो इसका जो फॉर्मूला था वो हमने नोट कर लिया। इसके जो अब हम लोग अगले लेक्चर में दूसरे चैप्टर का देखेंगे बच्चों। तो अभी के लिए इतना है बच्चों, नमस्ते बच्चों, फिर से हम लोग अगले लेक्चर में अगले चैप्टर की बात करेंगे। तो अभी के लिए इतना है बच्चों, नमस्ते बच्चों, और इसी तरह से लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते हैं माइनर स्टडी को, और जो माइनर स्टडी का जो कि वे लाइक बटन है वो दबाना ना भूले बच्चों, क्योंकि उसी से आपका जो आगे का लेक्चर है और जो नोटिफिकेशन उसी से आपको पता चलता रहेगा। तो अभी के लिए इतना है बच्चों, नमस्ते बच्चों, फिर से हम लोग अगले लेक्चर में, जो कि इसमें हम लोग केवल इस लेक्चर में हम लोग केवल जो कि फॉर्मूला वो देख रहे हैं, तो अगले लेक्चर में अगले चैप्टर की बात करेंगे। तो नमस्ते बच्चों।